मॉर्निंग। और आज एक स्पेशल चीज होने वाली है, वो है मैं आज बनाने वाली हूँ चिकन दो प्याजा। एक्चुअली पहली बार ही ट्राई करने वाली हूँ, आई होप अच्छा बनेगा। जैसा भी बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी काफी लेट हो चुका है, मतलब 12 बज चुके हैं, सो चलो जल्दी से चिकन का प्रिपरेशन कर लेते हैं, एक्चुअली मैरिनेट कर लेते हैं। तो चलो, क्योंकि खाना नहीं तो आज बनने नहीं वाला है, मतलब खाने के टाइम तक। तो चलो बना लेते हैं। और मैंने ना सुबह उठते ही जब नाश्ता वास्ता करते ही चावल को भिगो के रख दिया है, ताकि जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है, इसीलिए आप लोग भी ट्राई करना ये। चावल इधर मैंने चढ़ा दिया है, सॉरी मम्मी जी बात करिए फोन पे। और ये देखो चिकन मैंने धो के रेडी कर दिया है, बट आज एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, इसीलिए जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं बना है, और मतलब जो भी बना है हाथ से बनाया है, ये देखो मतलब जो घिसने वाली चीज है ना उससे बनाया है, तो यही दूंगी अभी। चलो चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। मैंने लिया है 750 ग्राम्स ऑफ चिकन, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट एंड हाफ अ टीस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट। देन हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा लेमन, ये मैं डालती हूँ, ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है, और इसकी जगह आप विनीगर भी ऐड कर सकते हो। देन हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड 2 टीस्पून ऑफ नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर सब कुछ इसके अंदर चला जाता है। और इसे ऐसे ही 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं दही मसाला, उसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून्स ऑफ दही, और इस दही को अच्छे से पहले फेंट लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, उसके लिए मैं ले रही हूँ हाफ अ टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे भी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अभी मैंने तवा चढ़ा दिया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच ऑयल, और इसको थोड़ी देर गर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 छोटे छोटे टमाटर को ऐसे क्यूब फॉर्म में काट लिया है। देन हमने 2 प्याज को भी ऐसे क्यूब फॉर्म में काट लिया है, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। देन मैंने लिया है 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच जिंजर पेस्ट, और 1 मीडियम साइज़ के अनियन को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, जिसको मैंने ऑलरेडी गरम हुए तेल पे छोड़ दिया था, और इसे थोड़ी देर फ्राई करूँगी ऐसे ही। और एक टमाटर का पेस्ट बना लिया है, जो कि ठीक से नहीं बना है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो इसे छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट लिया है, देन इसे पेस्ट बना दिया है। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, और इसमें अभी हम ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद जो टमाटर का पेस्ट हमने बना कर रखा है वो, और इन सब को थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही मसाला, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ना मसाले तेल छोड़ दे तब तक इसे फ्राई करते रहना पड़ेगा। देन हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन को, मैरिनेटेड चिकन को, और इन सब को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, और अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, अराउंड 1 कप ऑफ पानी डाल रही हूँ, आप जितना चाहो उतना ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हो। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ प्याज के जो क्यूब्स मैंने काट के रखा था वो, और उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इन सबको, और जो कस्तूरी मेथी अराउंड 1 टीस्पून इसके ऊपर हम डाल देंगे। देन हम ऐड करेंगे टमाटर के क्यूब्स और ग्रीन चिलीज़, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर, और लास्ट में हम ऐड करेंगे थोड़े से धनिए के पत्ते, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस हो गया हमारा चिकन दो प्याज़ा रेडी।
तो ये रहा मेरा चिकन दो प्याजा, है ना डिलीशियस। बच्चे नीचे खेल रहे हैं, सो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। और अभी अभी ना थोड़ी देर पहले बहुत सारा बारिश हुआ, तो इसीलिए ठंडा ठंडा वेदर है। और आज काफ़ी जल्दी निकल रहे हैं हम, क्योंकि इस टाइम में तो हम जनरली नहीं निकलते हैं। और मैं और मम्मी भी तेजी जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। सुन भी पा रहे हो आप, इधर ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। तो चलो घूम के आते हैं। हम लोग घर आ चुके हैं और अभी 9:15 बज रहा है। तो मैं बीच में थोड़ा सा भी ब्लॉग नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग घूमने नहीं गए थे, थोड़ा सा काम के लिए ही गए थे। इसीलिए मम्मी जी भी गई थी, वरना वो मतलब हमारे साथ मतलब इतना घूमने नहीं जाती वो, तो इसीलिए। और आज इतना बारिश भी हुआ है, तो बाहर जाकर ना इतना वैसा लग रहा था, बहुत ठंड लग रहा था। और हाँ, उसके बाद थोड़ा सा भी मार्ट भी गए थे। चलो अभी मैं चेंज करके थोड़ा सा डिनर देखते हैं क्या होता है। और अभी मम्मी जी चाय बना रही है, तो थोड़ा सा चाय भी पीऊँगी गर्मा गर्म, है ना। तो चलो बाद में बात करती हूँ, बहुत बोलती हूँ, है ना। चिकन दो प्याजाटा कौन হয়েছিল? বহুত अच्छा। ভালো করে বলো হ্যাঁ, ভোজপুরি। বলো না সিরিয়াসলি। मैं गजब का बना था। ओह सर, था अभी दिखा देती हूं आप लोग को हमारा शॉपिंग। एक्चुअली थोड़ा सा ही किया है, मतलब करने का कोई प्लान नहीं था शॉपिंग पोयला बैशाख वाला, ऐसे कर लिया है। और शायद पोइला बैशाख के दिन पहन भी नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि मैं जाऊंगी कहीं और वहां पर साड़ी पहनना है मुझे, क्योंकि मैं तो सती सावित्री संस्कारी बहू हूँ, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने लिया है ये, देखो ये छोटे वाला कुर्ती कैसा है। ये एक्चुअली मैं पलाजो के साथ पहनने वाली हूँ, या फिर जीन्स के साथ भी ये इस टाइप की कुर्तीज ना बहुत अच्छा लगता है। और ये प्योर कॉटन का है, सो इस गर्मियों में ये सेवियर है। ये है मेरे पति देव का, कैसा है पहन के ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखो मेरा, ये समर्स में ना मतलब जितना हल्का हल्का पहनो आप उतना ही अच्छा लगता है। तो मतलब हल्की हल्की चीजें, ज्यादा एम्ब्रॉयडरी और बहुत कुछ वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो ये देखो बड़ा आता फूल, क्यूट है ना, बहुत टॉप है। ये देखो यहाँ पर कुछ लिखा है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है वहां कैमरा में, बट ये फूल दिखाई दे रहा है, वही देख लो। कलर बहुत प्यारा है ना। फिलहाल आज का व्लॉग मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली किसी के भी साथ प्लीज शेयर करो यार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उसके पास में जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो मैं फिर मिलती हूँ मेरे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय से तो बोलो कि रूड है बाबा। बाय बाय जी, बार को लिया ना, भालो करो वाला, भालो करो वाला, बोलो बाय बाय।
তিনটে পেক হলো তিনটে এই শুধু বাই বাই বলার জন্য আর কিছু বলবো না গুড নাইট বলো না গুড নাইট ফ্রেন্ড গুড নাইট চলো